कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है, महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमय था। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय ही नहीं विश्व इतिहास का रहस्य छुपा हुआ है। महाभारत संबंधी अब तक जितनी भी खुदाई हुई है या उस काल के तथ्य मिले हैं, वे सभी मानव इतिहास के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भारतीय ही नहीं, इसमें मनुष्यों के इतिहास का अभी भी वो कालखंड छुपा हुआ है जिसके जानने से ज्ञान विज्ञान, खगोल, धर्म आदि के मामले में मनुष्य की जानकारी में आश्चर्यजनक रूप से इजाफा हो सकता है। किसी भी देश के इतिहास को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। आओ हम जानते हैं महाभारत काल के ऐसे 5 व्यक्तियों के बारे में जिनमें अद्भुत क्षमता, वे आम मनुष्य की तरह मनुष्य नहीं थे, वे कुछ और ही तरह की क्षमता से संपन्न थे। और कौन थे वो रहस्यमय व्यक्ति, जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना न भूले। पहला रहस्यमय व्यक्ति सहदेव। 5 पांडवों में से सहदेव और नकुल दोनों माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वो इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे मिली शक्ति? सहदेव के धर्म पिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाए ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाने से भविष्य देखने को मिला। इस तरह वे त्रिकाल यज्ञ बन गए। दूसरा व्यक्ति भीष्म। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म के शरशैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया था। दोनों दल के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, राजन्यगण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिये ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि ये तकिये इस वीर शैया के काम में आने योग्य नहीं है राजन। फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, बेटा तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही। तीसरा व्यक्ति दुर्योधन। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांघ के प्राकृतिक रूप से होने के कारण भीम ने उसकी जांघ पर वार कर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। दुर्योधन का ये वज्र समान शरीर उनकी माता गांधारी के देखने के कारण बना था। माता ने उन्हें पूर्णतः नग्न होकर उनके समक्ष आने को कहा था, लेकिन कृष्ण द्वारा उनकी बुद्धि को मोड़ देने के कारण वे अपने गुप्तांगों को छुपाकर माता के समक्ष गए थे, इसलिए उनका उतना हिस्सा कमजोर रह गया था। चौथा रहस्यमय व्यक्ति कृष्ण। सब पर भारी कृष्ण मुरारी। भगवान कृष्ण 16 कलाओं में माहिर थे। वे जितने मायावी थे उतने ही मानवीय। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व को तो बड़े बड़े योग और तपस्वी भी समझ न पाए। एक तरफ अपने दरिद्र मित्र सुदामा के चरण पखारते हैं तो दूसरी ओर अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल का बंदी कर देते हैं। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अर्जुन ने सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ के वध की शपथ ली थी और कहा था कि यदि मैं उसे सूर्यास्त के पूर्व नहीं मार पाया तो अग्नि चिता पर लेट जाऊंगा। कृष्णा ने अर्जुन को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया था, क्योंकि कृष्णा ये जानते थे कि आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य कुछ देर के लिए नहीं दिखेगा। हुआ यही, अर्जुन ने चिता तैयार कर ली तब जयद्रथ भी ये देखने आया और तुरंत ही उसी वक्त सूर्य पुनः निकल आया। कृष्ण के इशारे पर पल भर में ही अर्जुन ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। 5वां व्यक्ति है भीम। कुंती वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। उन्होंने एक बार अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था, लेकिन भीम में ये 1000 हाथियों वाला बल कहां से और कैसे आया? ये तो सभी जानते हैं कि गांधारी का बड़ा पुत्र दुर्योधन और गांधारी का भाई शकुनी कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने
धोखे से भीम को विष पिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा, जिसमें भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर ही कटने लगा। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। ये खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची, तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथ आर्यक नाग ने भी भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के दाना के नाना थे। भीम ने उन्हें गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। ये सुनकर आर्यक नाग ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।